हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर डीप लर्निंग यूजिंग टेंसर फ्लो के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को, और यहां पर हम शुरुआत से लेकर एंड तक इस पूरे कोर्स में, इस पूरी सीरीज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, ओके, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंसर फ्लो इंस्टॉलेशन एंड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद दिस सीरीज, राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स, यहां पर हम सबसे पहले ये बात कर ले कि बॉस, देयर इज नो बैकग्राउंड नॉलेज रिक्वायर्ड ऑफ डीप लर्निंग टू स्टार्ट दिस कोर्स, राइट। बट यस, कुछ नॉलेज जो आपको आना चाहिए, देयर आर सम प्रीरिक्विजिशन टू स्टार्ट दिस कोर्स। और सबसे पहले हम वही डिस्कस करते हैं यहां पे कि सबसे पहली स्टेप, यू नो द कोर पाइथन कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम यहां पर डीप लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन पाइथन के साथ। तो यू मस्ट नो द कोर पाइथन कॉन्सेप्ट। देखिए, मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कोर पाइथन, यू डोंट नीड एनी एडवांस कॉन्सेप्ट, बट यस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इन पाइथन, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन, कलेक्शन कॉन्सेप्ट इन पाइथन, ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है सो वेल एंड गुड। सेकंड, यू मस्ट नो द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप देखिए अभी आगे हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि हम ये बोलते हैं डीप लर्निंग इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। कि जहां मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स स्टॉप होते हैं वहां से हम डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो यू मस्ट नो द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट, व्हिच इज अनदर प्रीरिक्विजिशन, एंड थर्ड वन इज द पांडास, ठीक है। यू मस्ट नो द पांडास लाइब्रेरी, जो कि, और आप देखिए इन सभी के कोर्सेज आपको डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल जल्दी ना करें डीप लर्निंग पढ़ने की। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो पहले आप इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, पहले आप पाइथन को कंप्लीट करिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को कंप्लीट करिए, पांडास को कंप्लीट करिए, ओके, एंड देन आफ्टर स्टार्ट द डीप लर्निंग कोर्स। और यदि आपने इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है सो यू आर मोस्ट वेलकम, यहां से हम हमारा डीप लर्निंग का सफर आप शुरू करेंगे, राइट। दोस्तों, मैंने इस पूरे कोर्स का एक पूरा का पूरा कोर्स करिकुलम डिजाइन किया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरी टेक्नोलॉजी को किस वे में पढ़ना चाहते हैं। क्या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, या हम हर एक टॉपिक में डीप डाइव लगाएं और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ें? तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट या डिटेल। लेकिन यहां पर देखिए, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिमाग में आता है कि सर, व्हाई दिस डीप लर्निंग इज सो मच डिमांड इन नाउडेज। क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पहले नहीं थे। न्यूरल नेटवर्क आज से अगर हम 25 साल पहले की बात करें तो भी न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, और डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट द न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट, जो अभी हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अभी अभी इसकी डिमांड, पिछले 5 से 7 साल की बात करें तो इसकी डिमांड एकदम से हाई हुई है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसका रीजन क्या है, व्हाई द टॉप एमएनसीज नाउ रिक्वायर्ड द डीप लर्निंग प्रोफेशनल्स, राइट। देखिए, अगर मैं मेरे नॉलेज से बात करूं सो देर आर सम स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट, कि क्यों आज डीप लर्निंग प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट एकदम से ग्रो हुई है, रीजन क्या है। देखिए, देयर आर सम स्पेसिफिक रीजंस, मतलब देखिए मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये मैं अपने नॉलेज के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं जो मुझे समझ में आता है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि आज सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। देखिए, पहले आज से अगर हम बात करें 10 ईयर्स बैक या 15 ईयर्स बैक के, तो सॉफ्टवेयर होते थे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर चलता था एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, राइट। बट नाउडेज मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर इधर वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन, और दोनों केस में अगर आप बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बॉस, आज अगर मैं किसी होटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो वो उसकी रिक्वायरमेंट यही होगी, सर मेक अ वेब एप्लीकेशन एंड अनादर इज ऐप फॉर द सेम। मतलब आज हर सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डेवलप हो रहा है, वन इज वेब एंड सेकेंड इज ऐप, एंड देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो कि वेब और आपकी ऐप एप्लीकेशन प्रोड्यूस करती है। सो क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू मैनेज दिस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो वहां पर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, लेकिन जब ये डेटा का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और ज्यादा इंक्रीज हुआ, सो दैट वी रिक्वायर्ड न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट, हमें डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। आप देखिए, आज अगर आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को देखें तो आप अपना वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आप टेक्स्ट पोस्ट कर रहे हैं, आप अपनी इमेजेस को पोस्ट कर रहे हैं, ओके, आप डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पोस्ट कर रहे हैं। इफ यू नो द डेटाबेस कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, राइट। तो इतने ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को जब मैनेज करना है, ओके, सो हियर वी रिक्वायर्ड अ डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट। यहां पर हमें डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट होगी,
राइट। और देखिए ये कॉन्सेप्ट पहले भी थे, लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि सर पहले इनका इंप्लीमेंटेशन क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। आता हूं मैं उस पर भी आगे आता हूं। सेकेंड, एडवांस कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं बॉस, जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था तब मैंने भी कंप्यूटर परचेस किया था, लेकिन उस कंप्यूटर में और आज के सिस्टम में देयर इज अ बिग डिफरेंस। आज जो सिस्टम आप देख रहे हैं दैट एक्चुअली कंसिस्ट इन एडवांस सॉफ्टवेयर, राइट, एडवांस हार्डवेयर सबसे इंपॉर्टेंटली, लाइक यू हैव अ जीपीयू कॉन्सेप्ट, लाइक यू हैव अ टीपीयू कॉन्सेप्ट, टेंसर फ्लो प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। तो ये जो हार्डवेयर्स हैं, इन हार्डवेयर्स के कारण आपका जो सिस्टम है दैट सिस्टम परफॉर्म्स 100 टाइम बेटर देन बिफोर द 10 ईयर सिस्टम्स। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन कि अब डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स को सिस्टम पे इंप्लीमेंटेशन करना इज नॉट दैट मच टिपिकल जो आज से 15 ईयर बैक हुआ करता था, राइट। कि हमने भी हमारे टाइम पे डीप लर्निंग या जिसको हम बात करें न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पढ़े, लेकिन इंप्लीमेंटेशन वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। और तीसरा रीजन पाइथन, वन ऑफ द मोस्ट, जो मेरे हिसाब से मुझे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन लगता है वो है पाइथन लाइब्रेरीज। यार इस कोर्स को आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, और वो ये कि इस कोर्स का पूरा एक कोर्स करिकुलम है जो आप लोगों को डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस पूरी टेक्नोलॉजी को हमने मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम हर टॉपिक में डिटेल में जाके बात करें विद इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ बात करें, या आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए इंपॉर्टेंट या डीप डाइव, राइट। तो वेट करूंगा मैं आपके कमेंट का। बॉस मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम डेवलप करते थे एट द टाइम ऑफ कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, सो देर वॉज अ लैंग्वेज लाइक C++, जावा, राइट। लेकिन वहां पर इन एल्गोरिथम्स को लिखना इट्स अ टीडियस टास्क, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 500-600-1000 लाइन ऑफ कोड टू इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम। बट nowadays Python provides such a library called TensorFlow, PyTorch, right? तो इन libraries के कारण it's quite easy to implement the deep learning algorithm. जहां पर PyTorch हमें Facebook ने दिया है, जहां पर TensorFlow हमें Google ने दिया है, and these are the Python libraries. कि जहां पर there is no need to write the code to implement the algorithms. This is one of the most fantastic and most important revolution जिसको मैं बोल सकता हूं, जिसके कारण आज deep learning इतनी demand में है, इतना popular है। और चौथा जो reason है, शायद मैंने mention नहीं किया, cloud computing। कि बहुत जब हम बात करते हैं huge amount of data को manage करने की, huge amount of data को store करने की, so no need to store this data in your personal laptop or system, just put this data on the cloud, and there is a huge volume of data you can store in the cloud also. So that is the another important reason कि why deep learning is so much demand in nowadays. तो ये कुछ reasons हैं जिसके कारण आज हम deep learning को इतना popular देखते हैं, इतने demandable देखते हैं. And believe me, अगर आप industry oriented बात करें, अगर आप job prospective से बात करें, so बहुत huge career options is available. Salary is no bar, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अगर आप इस पूरी series को ईमानदारी से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि केवल सर्टिफिकेट के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन ना करें। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यू वांट टू एक्चुअली इंप्लीमेंट द डीप लर्निंग एल्गोरिथम, देन ओनली स्टार्ट टू लर्न दिस कोर्स, राइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन यह भी आता है कि सर इज देयर एनी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स रिक्वायरमेंट फॉर दिस डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स? यस, ऑब्वियस, राइट। लेकिन कोशिश हम ये करेंगे, मैंने आपको बोला दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फॉर बिगिनर, लेकिन अगर आप मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, सो यू कैन इजीली इंप्लीमेंट द डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। लेकिन मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि यदि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको हमें समझना है, तो हम उसके एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने से पहले उस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो नो डाउट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल एज द स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट टू इंप्लीमेंट दिस एल्गोरिथम, राइट। लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि हम कम से कम टेंशन के साथ उन मैथमेटिक्स, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन यही होता है मैक्सिमम बच्चों से जब मैं बात करता हूं, मतलब 10% पॉपुलेशन है जो एक्चुअली इस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को लाइक करती है, बस 90% पॉपुलेशन इज एक्चुअली जस्ट अफेयर्ड विद दिस, मैथ्स टेंशन में आ जाते हैं, राइट। बट डोंट वरी, यहां पर हम बहुत अच्छे से उन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि रिक्वायर्ड है इस कोर्स के लिए, ओके? तो आई होप यहां पर आपको ये इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बॉस व्हाट इज द प्रीरिक्विजिशन, व्हाई दिस टेक्नोलॉजी, और यू कैन से दैट व्हाई दिस डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स इज सो मच पॉपुलर, ओके? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शुरुआत करेंगे
इन लाइब्रेरीज के साथ, इन कॉन्सेप्ट के साथ, इस पूरी सीरीज में जैसे मैंने आपको कहा है कि हम डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करेंगे टेंसर फ्लो के साथ। तो टेंसर फ्लो के साथ इसलिए क्योंकि बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है जिसको हम यूज कर सकते हैं डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए। ओके, और सेकेंड, इट्स अ फ्रीवेयर, राइट? तो देर इज नो नीड टू परचेज समथिंग, है ना? हम आसानी से इसको गूगल से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे और एक एक एल्गोरिथम्स को हम यहां पर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, राइट? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस सीरीज कि इस पूरी सीरीज में हम एटलीस्ट 10 टू 20 प्रोजेक्ट्स कवर करने वाले हैं। हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे और यदि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी इस कोर्स में कवर करिए, क्योंकि देखिए मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं कि हम क्या क्या टॉपिक्स इस पूरे सीरीज में कवर करने वाले हैं। लेकिन यदि आपको लगता है आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके रिक्वायरमेंट है, सो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको भी अपने इस कोर्स में इंक्लूड करेंगे। यदि आपको लगता है कि सर हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, हम उस प्रोजेक्ट को भी अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। बट बिलीव मी, दिस कंप्लीट कोर्स इज अ पैकेज ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट और फिर कोर्स तो रहेगा ही, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग्स। हम थ्योरेटिकल अप्रोच की भी बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल अप्रोच की भी बात करेंगे, क्योंकि सी केवल बोर्ड पे किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हम थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारे एस्पेक्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरे प्रीवियस कोई कोर्स पढ़े हैं तो आपको पता है ये बात, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने हर कोर्स में दोनों स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों अप्रोचेस को इक्वल मार्क्स देते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे इस डीप लर्निंग विद टेंसर फ्लो के कोर्स को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।